This Lallantop video is brought to you by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। विराट कोहली अब T20 इंटरनेशनल्स के बाद वनडे टीम के कप्तान भी नहीं रहे हैं। कोहली की जगह रोहित शर्मा को वनडे टीम की कमान सौंपी गई है। इससे पहले रोहित को T20 इंटरनेशनल्स टीम की कप्तानी भी दी गई थी। किंग कोहली अब सिर्फ टेस्ट में कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। 8 दिसंबर बुधवार को BCCI ने साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया, जहां रोहित को नया वनडे कप्तान घोषित किया गया। साथ ही उन्हें टेस्ट टीम का उपकप्तान भी बनाया गया। इससे पहले अजिंक्य रहाणे टेस्ट टीम के उपकप्तान थे। बता दें कि साल 2017 में धोनी के लिमिटेड ओवर फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने के बाद कोहली को टीम इंडिया की बागडोर मिली थी। विराट कोहली ने टीम इंडिया की शानदार तरीके से अगुवाई की। घर और विदेशी सरजमी पर कोहली ने इंडिया को कई ऐतिहासिक सीरीज जिताई। विराट कोहली ने 95 वनडे मैचों में टीम इंडिया की कप्तानी की। इनमें से 65 मैचों में टीम को जीत मिली और 27 मैचों में हार, जबकि एक मैच टाई और दो मैच बेनतीजा रहे। कोहली की कप्तानी में भारत की जीत का प्रतिशत 68 का रहा। कोहली ने अपने घर में 35 वनडे मैचों में कप्तानी की। इनमें से 24 में उन्हें जीत मिली, जबकि 10 में हार का सामना करना पड़ा। एक मैच बेनतीजा भी रहा था। वहीं विदेशों में भारत ने 42 मुकाबले खेले, 29 में जीते और 11 में हारे। दो मैचों का परिणाम नहीं निकल पाया। कोहली ने भारत के लिए 19 द्विपक्षीय यानी बायलेटरल वनडे सीरीज में कप्तानी की थी। इस दौरान उन्होंने 15 द्विपक्षीय सीरीज में टीम इंडिया को जीत दिलाई, जबकि 4 सीरीज में उन्हें हार मिली। वहीं घरेलू सरजमी पर विराट कोहली ने 9 द्विपक्षीय सीरीज में कप्तानी की, 8 में जीते और सिर्फ 1 में हारे, और ये हार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 2018 में आई थी। ये 5 वनडे मैचों की सीरीज थी और इस सीरीज को ऑस्ट्रेलिया ने 3-2 से अपने नाम किया था। अपनी कप्तानी में कोहली ने विराट प्रदर्शन किया। जी हाँ, बल्ले से उन्होंने काफ़ी सारे रन बनाए। 95 मैचों की 91 पारियों में 72.65 की औसत से कुल 5,449 रन, जिसमें 21 शतक और 27 अर्धशतक शामिल हैं। इस दौरान विराट कोहली का स्ट्राइक रेट लगभग 98 का रहा। वैसे तो ये आंकड़े लाजवाब हैं, लेकिन कोहली की कप्तानी में भारत एक भी ICC टूर्नामेंट नहीं जीत पाया और इसका मलाल हमारे साथ कोहली को भी हमेशा रहेगा। कोहली ने भारत को 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचाया था, जहां पाकिस्तान के हाथों हमें हार मिली थी। इसके बाद उन्होंने 2019 वनडे विश्व कप में कप्तानी की। यहां भारत ने सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। फिर कोहली ने 2021 के T20 इंटरनेशनल विश्व कप में भी कप्तानी करी थी और भारत यहां से ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गया था। नमस्ते, मेरा नाम सूरज है, कैमरे के पीछे विजय थे और आपके लिए ये कॉपी लिखी थी हमारे साथी अविनाश ने। शुक्रिया। 5 शहर और 5 अड्डों के बाद तब बारी है गोरखपुर की। जानेंगे गोरखपुर के और आसपास के इलाकों के पूर्वांचल के मुद्दे क्या हैं, किन बातों पर बिछेगी चुनावी बिसात, विकास के दावों का सत्य क्या है, मुख्यमंत्री के इलाके में चुनाव का हाल क्या है और ये सब कैसे जानेंगे आपसे मिलकर। तो फिर फटाफट डिटेल्स नोट करिए लल्लन टॉप अड्डे के। तारीख है 10 दिसंबर दिन शुक्रवार, वक्त दोपहर के 2 बजे से, और जगह गोरखपुर का विंध्यवासिनी पार्क, जिसे स्थानीय लोग मोहब्बत से वी पार्क भी कहते हैं। तो आइए वी पार्क में मुलाकात की जाए, जरा समझा जाए यूपी का हाल क्या है।